मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला शहर के उपनगर संजौली में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का दौरा किया तथा कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हेलीपोर्ट का कार्य तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये हेलीपोर्ट शिमला आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हेलीपोर्ट के पूर्ण होने से उड़ान 2 के तहत जुबड़हट्टी के बजाय इस हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट वीआईपी लाउंज तथा जन उपयोगी क्षेत्र जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उन्होंने कहा कि मंडी, रामपुर तथा बद्दी में 3 और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। ऐसे हेलीपोर्ट प्रत्येक जिला मुख्यालय में विकसित किए जाएंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कालीबाड़ी के समीप बेंटरी कैसल का दौरा किया तथा 45 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे संरक्षण, मुरम्मत तथा पुनर्सुधार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित इस परियोजना में 3 खंड ए, बी व सी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खंड ए में हिमाचली थीम पर आधारित प्राथमिक संग्रहालय होगा, खंड बी में हिमाचली धाम परोसने वाला फूड कोर्ट, हिमाचली कला एवं शिल्प गैलरी होगी, जबकि खंड सी में सामान्य सुविधाएं तथा ऊपरी मंजिल पर ओपन एयर थिएटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैसल में आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना के निर्माण तथा जीर्णोद्धार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ मूल वास्तुशिल्प को बनाए रखने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। काफी अरसे से इस बात की जरूरत महसूस हो रही थी कि अपना हेलीपोर्ट होना चाहिए। शिमला में खासतौर से हमारे लिए बहुत मुश्किल रहती है कि अन्नाडेल जहाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है वो आर्मी के पास है लीज पर, और ऐसी सूरत में प्राइवेट चॉपर ने आना हो हिमाचल प्रदेश में और शिमला आना हो पर्टिकुलरली, तो लैंडिंग की बहुत बड़े इश्यूज रहते थे। ऐसी सूरत में एक अच्छी एक शुरुआत हुई है, यहाँ संजौली में एक हेलीपोर्ट जो है वो बनाने का निर्णय लिया है और वो हम सितंबर के महीने में जो जिस तरह से कार्य की प्रगति हम यहाँ देख रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर के महीने तक ये काम पूरा हो जाएगा, जिसका मेन पोर्शन जो है उसके बाद इसको फंक्शनल कर देंगे। और ख़ास तौर से जो हमारी उड़ान 2 की जो एक सुविधा है, अभी चंडीगढ़ से हमारा एयरपोर्ट जो है वो जुबरहट्टी का अभी वहाँ लैंड करते हैं, और उस जब ये बन जाएगा तो ये एकदम शहर के बीच में, क्योंकि जुबरहट्टी में आने जाने के लिए शिमला से लगभग 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई रहती थी। जो टूरिस्ट जाना चाहता था बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता था, और यहाँ संजौली में आने के बाद जो है वो हमारे उड़ान 2 की जो हमारी एक सुविधा है उसको बहुत बड़ा इससे बल मिलेगा। और दूसरी बात है कि अपने पास प्रदेश सरकार के पास एक अपनी स्टेट कैपिटल में चॉपर की लैंडिंग की अलग से एक व्यवस्था होगी, और इसमें सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की यानी कि जो हेलीपोर्ट में जो रिक्वायर्ड है, इसमें छोटा सा जो वीआईपी लॉन्च होगा और उसके साथ साथ में जो भी डीजीसीए की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको सबको पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छी एक सुविधा यहाँ पर शिमला में होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में मंडी में हमारा लगभग अवार्ड हो गया है टेंडर उसका, और उसके बाद रामपुर में, और रामपुर के बाद और जगह भी हम इस प्रकार से बद्दी में, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने की शुरुआत है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि धीरे 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 हर जिले में इस तरह से हम कर सकें, वो एक प्रयास निश्चित रूप से। यहाँ से तो फिर सारी चीज़ें हम उस प्रकार से, हम कोशिश तो यही है और उसी के लिए मेन हमारा मकसद है कि कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ से अगर शुरू हो सकती हैं तो वो उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज इसके माध्यम से और बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल तो हमारा जो उड़ान सेकंड है जो हमारी जुबरहट्टी उतरती है, तो उनके लिए, लोगों के लिए, जो टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा शहर के अंदर आने जाने।